नमस्कार दोस्तों, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी से पनीर। ये पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी है। तो देखिए, बिल्कुल लग रही है ना पनीर जैसी, जैसे मार्केट का पनीर हम लाकर सब्ज़ी बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लौकी, हमने ताज़ी लौकी है, इसको दबा के देख लेना, और सॉफ्ट होनी चाहिए लौकी लेते समय। तो इसको हमने धुल के साफ़ कर लिया है। अब हम इसको इस तरह दोनों साइड से कट कर देते हैं और इसको छील लेते हैं। इसके अंदर जो बीज में ये बीज वगैरह निकलते हैं थोड़ा सा, उनको हम हटा देते हैं, बीज का पोर्शन। इस तरह निकालते हुए सारे साफ कर देना है पूरी तरीके से इसको। और इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो देखिए, इसको हमने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें इस लौकी को डाल देते हैं। तो ये लौकी इसमें जार में रख ली है हमने। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच दही, ये बड़ी चम्मच है थोड़ी, अगर आपकी छोटी वाली हो तो उससे 2 चम्मच डाल दें। आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसको एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं इसका। तो देखिए, ये लौकी का हमने पेस्ट बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ये 4 चम्मच मैदा और इसको इस चलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको लगभग 2 मिनट तक इसी तरह फेंट लेना है चलाते हुए। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो देखिए, इसको फेंट लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, ये छोटी वाली चम्मच है, उससे बेकिंग सोडा डाल दिया है, लगभग 2 चुटकी के समथिंग डालना है। तो क्या करेंगे, अभी देखिए ये प्लेट को हमने एक ग्रीस कर लिया है इसको। इसमें से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर दिया। और हम इसमें जो हमने ये लौकी का बैटर बनाया है वो इसको इसमें डाल देते हैं। और इसको एक सार करके इस तरह चारों तरफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये एक कढ़ाई ली है हमने, इसमें 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, इसमें 5-6 लौंग है, 4-5-6 काली मिर्च है, 2 तेज़पत्ता है, आधा दालचीनी है, 1 इलायची है। सभी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ, ये 2 प्याज है, 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, 7-8 बादाम है। तो सभी चीज़ों को डाल के हमें भून लेना है। अब हम इसमें 2 टमाटर कट करके डाल देते हैं, इनको भी चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी पानी।
अब हम एक कटोरी में पानी भर के रख देते हैं इसके बीच में। और इसमें हमने दो हरी मिर्च डाल दी, और इसमें ये जो बैटर बनाया था लौकी का प्लेट में जो रखा था उसको हमने इसी कढ़ाई में रख दिया है। और इसको ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको कुक होने देना है, गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। तो देखिए ये 20 मिनट तक कुक हो चुका है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं और मसाला ठंडा कर लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं पीस के। बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी पीसना है। तो अब क्या करना है, कढ़ाई में हमने लिया है बड़ी 2 चम्मच ऑयल, उसमें जो हमने मसाला पीस के रखा था पेस्ट बनाया था वो उसको डाल देना है, क्योंकि खड़े मसाले हम डाल चुके हैं मसाला पीसते समय, तो अब नहीं डालने हैं। और इसको मीडियम फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट तक कुक होने देना। अब इसमें कुछ मसाले डाल देने हैं, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, मसाले को चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो इसको अब हम ढककर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है हमने, तो अब क्या करेंगे, ये ग्रेवी हमारी बन रही है। तब तक हम इसको ये जो हमने प्लेट में उसके लौकी के हमने पनीर बनाया है उसको कट कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसेस में हमें इसको कट कर लेना है। देखिए ये इस तरह के पीसेस बनकर तैयार हैं। इसी तरह हम सारे पीसेस को निकाल लेंगे। बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार हैं ये। अब ये तब तक ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है, ये मसाला भुन गया है अच्छे से। अब हम इसमें जो हमने कटोरी में पानी बॉयल होने के लिए रखा था उसी पानी को इसमें डाल देते हैं मसाले में। हमें ग्रेवी जितनी रखनी हो उतना हमें पानी डालना है। अब क्या करना है, अभी जो हमने पनीर बना के रखा था वो एक एक पीस करके इसमें हमें डाल देने हैं। तो देखिए इसको हमने ढककर 2-3 मिनट तक पका लिया है। तो देखिए ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, बिल्कुल पनीर जैसी सब्ज़ी बनी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको तक जल्दी पहुँचे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।